अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप बड़ी ही तवज्जो के साथ और बड़े ही इनहमाक के साथ आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसको देखने के बाद मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप हज़रात इसको आगे शेयर कर दें, इसलिए कि मैं बहुत बड़े एक राज से पर्दा उठाने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर भी और गूगल पर भी, हर जगह पर एक ख़बर बड़ी तेज़ी के साथ में गर्दिश करती हुई नज़र आ रही है, और ये कि सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों के अंदर सुर्ख आंधी चली और यहाँ तक के काबतुल्लाह के अतराफ में जो बादल है वहाँ पर भी बिल्कुल सुर्ख सुर्ख बादल नज़र आए और उसको पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, और ये बताया जा रहा है कि ये क़यामत की निशानी है। तो मैं इंशाल्लाह आज पूरी बात आपके सामने पेश करने वाला हूँ कि इसमें कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है, वो आप समाअत कर लें। देखिए, अगर बात करें हम जो काबतुल्लाह के ऊपर जो अतराफ में बादल नज़र आ रहे हैं ना, सुर्ख सुर्ख नज़र आ रहे हैं, ये हकीकत में एक फेक है और एक झूठा वीडियो है। और जो भी किसी ने भी किया है वो क्या किया, क्रिएटिविटी है, उन लोगों ने सफ़ेद बादलों को लाल में तब्दील कर दिया है और ऐसा दिखाया जा रहा है जिस वक्त लोग काबतुल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआएं मांगते हैं तो यूं दिखाया जा रहा है कि लोग वो सुर्ख आसमान को देख रहे हैं ताकि लोगों को वीडियो की सच्चाई का यकीन हो जाए और उनको लगे कि बिल्कुल सच्ची बात बताई जा रही है। अगर बात करें इसकी हकीकत क्या है तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, जैसे ही ये खबरें वायरल हुई, तो जो यहूदी हैं वो लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि मुसलमान जब भी खौफ और हिरास में मुबतला होते हैं वो उनके खौफ में मजीद इजाफा कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इस तरीके की न्यूज़ें बना करके लोगों में आम कर देते हैं और उनकी वेबसाइट पर ऐसी खबरें गर्दिश करने लगती हैं कि वाकई ये क़यामत की निशानी है और अब हमारा उरूज होगा, मुसलमानों का जवाल होगा, मुसलमान ज़मीन में धंस जाएंगे और मुसलमानों को जलील किया जाएगा और हम लोग जो है अब ऊपर आने वाले हैं, हमारी हुकूमत पूरी दुनिया में छा जाने वाली है, जिसको वन वर्ल्ड आर्डर कहते हैं ना, वो हमारा कायम होने वाला है। अब मैं आपको बता दूँ, देखिए, सऊदी अरब में चंद रोज़ कबल रेत का एक खौफनाक तूफान आया जिसमें दारुल हुकूमत रियाज, मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा समेत कई शहरों की फिजा सुर्खी माइल हो गई। अब इस तूफान के मुतालिक साजिशी नजरिया साजों ने हैरान कुन दावा कर दिया है। डेली स्टार के मुताबिक 71 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले इस तूफान के मुतालिक यहूदी मजहबी वेबसाइट इसराइल 365 पर दावा किया गया है कि यह तूफान कुर्ब क़यामत की निशानी है और दुनिया के मामलों में खुदाई मुदाखलत की अलामत है। हेब्रियो बाइबल की आयत नंबर 13:21 का हवाला देते हुए वेबसाइट पर शाये होने वाले आर्टिकल में बताया गया कि क़यामत के करीब इस तूफान जैसे वाकयात बकसरत रूनमा होंगे। आर्टिकल में यहूदी मजहबी रहनुमा पंचिस वेंस्टन के एक इंटरव्यू का भी हवाला दिया गया है जिसमें वो भी रेत के इस तूफान को खुदाई मुदाखलत और क़यामत की निशानी करार देते हुए कहते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात इतनी ज़्यादा तादाद में रूनमा होंगे कि उनके मौजूदा होने पर किसी को भी शक नहीं रहेगा, बल्कि सब लोग यकीन कर लेंगे। ये तो खबर हो गई। अब मैं आपको बहुत सारे फोटोज़ भी दिखाऊँगा और साथ ही साथ में आपको ये बता दूँ कि देखिए, हवाएँ तो चली हैं और सऊदी अरब में इस तरह की हवाएँ चलना कोई अजीब बात नहीं है, वहाँ पर तो ये होता रहता है क्योंकि रेतीली ज़मीनें हैं, जब वहाँ पर आंधी चलती है ना तो वहाँ की मिट्टी उड़ने लगती है और गर्द गुबार बन जाता है और कभी कभी वहाँ पर जो है सुर्खी भी नज़र आती है। तो लिहाजा इस चीज़ को क़यामत की निशानी करार देना ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, गोया कि काबा के अतराफ में जब भी ऐसा होता है ना तो इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता ताकि काबे का जो तकद्दस है वो कम हो जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी करके बताएंगे कि ये खबर बिल्कुल फेक है, झूठी है। और इसके साथ में बताया जा रहा कि कुछ लोग कार में, फ्लाइट्स में देख रहे हैं, उनके चारों तरफ ये लाल लाल नज़र आ रहा, तो ये आपका नहीं बल्कि ये पुराने वीडियोज़ हैं जो इसके साथ में शामिल कर दिए गए हैं। बहरहाल मक्के के कुछ अतराफ में, कुछ मुजाफात में ऐसे मामलात हुए हैं लेकिन काबतुल्लाह के पास कोई ऐसा नहीं हुआ जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो को आगे शेयर करके लोगों को हकीकत से आगाह कर दें कि किस तरीके से काबतुल्लाह के तकद्दस को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।